बच्चों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान कक्षा 7वीं का पहला पाठ सजीव सृष्टि अनुकूलन और वर्गीकरण पढ़ेंगे। सजीवों में विविधता किन किन वैज्ञानिक आधारों पर दिखाई देती है? हम जानते हैं पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियों के रंग बिरंगे फूल होते हैं, कुछ वनस्पतियां पानी में पाई जाती हैं तो कुछ वनस्पतियां पानी के अभाव वाले मरुस्थली प्रदेशों में भी पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियां सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देती हैं तो कुछ विशालकाय होती हैं। कुछ वनस्पतियां बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती हैं। वनस्पतियों की भांति प्राणियों में भी विविधता होती है। कुछ एक कोशी तथा कुछ बहुकोशी, कुछ पृष्ठवंशी तो कुछ अपृष्ठवंशी। इस प्रकार जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर, सरीसृप ऐसे अनेक प्रकार के प्राणियों से हमारा विश्व भरा हुआ है। यह देखकर क्या हमारे मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सजीवों में इतनी विविधता किन कारणों से आई है? कश्मीर और राजस्थान, इन प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणी और वनस्पतियां क्या एक ही प्रकार के होते हैं? उनमें अनेक प्रकार के अंतर आपको दिखाई देते हैं। कश्मीर जैसे बर्फीले प्रदेश में देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्ण वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं तो राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेशों में बबूल, नागफनी जैसी वनस्पतियां बड़ी संख्या में होती हैं। इसी प्रकार मरुस्थल में रहने वाला ऊंट कश्मीर में नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों? अभी इसका कारण ऐसा है कि सभी सजीवों में, वनस्पतियों में अनुकूलन होता है। ये अनुकूलन क्या है, एडप्शन क्या है? प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाली परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। तो पहले हम वनस्पतियों में अनुकूलन देखेंगे, इसके बाद सजीवों में यानी प्राणियों में अनुकूलन देखेंगे। तो पहला है जलीय वनस्पतियों का अनुकूलन। आप देखेंगे कि नदी नाले, तालाब, झील जैसे जल स्रोतों में भी आपको जलीय वनस्पतियां दिखाई देती हैं। अब ये वनस्पतियों में कुछ वनस्पतियों की जड़ें जलाशय के तल की मिट्टी को दृढ़ता से पकड़ के रखती हैं और उनके तने पानी में डूबे हुए तथा पत्तियां, फूल, पानी सब पानी पर तैरती रहती हैं। पाया जाता है कि कुछ वनस्पतियां जड़ों सहित पानी पर तैरती हैं। जलाशय के तल में देखने पर वहां भी कुछ वनस्पतियां दिखाई देती हैं, जैसे कमल, जलकुंभी जैसी वनस्पतियों के डंठल कोमल, खोखले और लचीले होते हैं। अधिकतम जलीय वनस्पतियों की पत्तियों और तनों जैसे अंगों पर मोमयुक्त पदार्थ की पतली परत होती है। कुछ वनस्पतियों की पत्तियां सकरी रीबन जैसी पतली होती हैं। इस कारण से ये वनस्पतियां पानी का तेज प्रवाह सहन कर सकती हैं। तने और डंठल में उपस्थित हवा का अवकाश खाली जगह होता है, इससे वनस्पतियों को पानी में तैरने के लिए उपयोगी होती हैं। देखो कमल, कमल की पत्तियां हैं, ये कमल के डंठल हैं। तो ये सब जो है कमल के जो बनावट है ये पानी में रहने के लिए उनको अनुकूल बनाता है। इसी तरह हम देखेंगे मरुस्थली प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन। तो मरुस्थली वनस्पतियों में नागफनी का और एक पत्तेदार वनस्पति का जो है हम देखेंगे कि इसमें क्या अंतर है। नागफनी की वनस्पतियों में देखेंगे तो ये जो है कांटा दिखाई देता है और पत्तेदार वनस्पतियों में पत्तियां होती हैं। तो रेगिस्तान की वनस्पतियों में जो पत्तियां नहीं दिखाई देती हैं वो क्या हुई? ये पत्तियां जो हैं वो सुई की तरह छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इस रचना के कारण
उनके शरीर द्वारा बहुत कम पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। पानी में भोजन के संग्रह के कारण तना मांसल बनता है। पत्तियों के अभाव के कारण तनों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए वे हरे होते हैं। इन वनस्पतियों की जड़ें पानी खोजने के लिए जमीन में गहराई तक जाती हैं। इन वनस्पतियों के तनों पर भी मोमयुक्त पदार्थ की मोटी परत पाई जाती है। अब हम देखेंगे हिम प्रदेश की वनस्पतियों में अनुकूलन। बर्फीले प्रदेश की वनस्पतियों में हम देखेंगे कि उनकी शाखाएं अवरोही की तरह दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखो ये जो है देवदार वृक्ष दिखाया गया है, ऊपर की तरफ शंकु के आकार का दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है कि शाखाओं की रचना इनकी जो होती है, इनका आकार शंकु जैसा और शाखाओं की रचना और वही होती है। इसका कारण यह है कि इन प्रदेशों में बहुत हिमवृष्टि यानी बर्फ बहुत गिरता है, ठंडी बहुत अधिक पड़ती है। तो इस शंकु आकार के कारण इन वनस्पतियों पर बर्फ नहीं जमती है और इस प्रकार ये अपनी मोटी छाल के कारण ठंड में भी जीवित रहती हैं। अभी हम देखेंगे वनाच्छादित प्रदेश की वनस्पतियों में अनुकूलन। इन प्रदेशों में वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे जैसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। ये सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए ऊपर की तरफ जो है भागती हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं जो है कि बड़ा होने के लिए। तो इन वनों में सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए वृक्ष बहुत अधिक ऊंचाई तक बढ़ती हैं। उनका आधार लेकर लताएं भी ऊंचाई तक बढ़ती हैं। कुछ लताएं के तनों पर पाए जाने वाले कमानी स्प्रिंग जैसे लता तंतु तने का अनुकूलन ही है। अब हम देखेंगे घास स्थल की वनस्पतियों में अनुकूलन। तो घास स्थल में बड़ी मात्रा में छोटी ऊंचाई वाली झाड़ियाँ और घास के विविध प्रकार होते हैं। घास की रेशेदार जड़ों द्वारा जमीन का क्षरण रोका जाता है। विषुवत वृत्तीय प्रदेशों में घास अधिक ऊंचाई वाली होती है। उनमें बाघ, शेर, हाथी, हिरण जैसे प्राणी छिप कर रह सकते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली घास की ऊंचाई कम होती है। इस कारण वहाँ पर खरगोश जैसे प्राणी रहते हैं। पहाड़ी ढलान, पठार व मैदानी प्रदेश में बड़ी मात्रा में चारागाह पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन क्या है। सामान्यतः सभी वनस्पतियाँ जमीन पर स्थिर और स्वयंपोषी होती हैं, परंतु अमरबेल जैसी वनस्पतियाँ परपोषी होती हैं। अमरबेल का तना पीले तंतुमय जाल सा दिखाई दे रहा है, जो कि चित्र में दिखाया गया है। ये जो है तंतुमय दिख रहा है। अमरबेल में पत्तियाँ नहीं होती हैं, इसलिए वह स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकती, परंतु इसमें अन्य वनस्पतियों के तनों से पोषक पदार्थ अवशोषित करने के लिए अवशोषक चूषक जड़ें होती हैं। ये जड़ें आधारक वनस्पति की जलवाहिनी तथा रसवाहिनी तक जाकर भोजन व पानी अवशोषित करती हैं। इसी तरह फफूंदी में पर्ण हरित नहीं होता है, इस कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। वे रोटी, डबल रोटी जैसे कार्बोज पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। फफूंदी में भोजन अवशोषित करने के लिए जड़ों जैसे तंतु होते हैं। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे घटकों की आवश्यकता होती है। जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पर पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ जैसे वीनस, फ्लाईट्रेप, ड्रासेरा, घटपड़ी कीटकों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। इन वनस्पतियों में कीटकों को आकर्षित करने के लिए और उनको पकड़े रखने के लिए पत्तियों या फूलों में अनुकूलन होता है। अब हम देखेंगे प्राणियों में अनुकूलन।
जिस तरह से वनस्पतियों में अनुकूलन होता है उसी तरह प्राणियों में भी अनुकूलन होता है। तो देखेंगे कि कौन सा प्राणी कहाँ रहता है, उसके जो है हड्डी, पंख, पूंछ, ये सब अलग अलग क्यों दिखाई देती हैं। तो इसका कारण है कि वो जिस जगह पे रहता है वहाँ पे अनुकूलन स्थापित करने के लिए उसके शरीर की बनावट में अंतर दिखाई देता है। तो जमीन पर रहने वाले प्राणियों की तुलना में पानी में रहने वाले प्राणियों की त्वचा शरीर के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। पानी में मछली रहती है तो मछली की त्वचा पर शल्क तथा शरीर पर तैरने की सहायता के लिए पर होते हैं। शरीर का आकार दोनों ओर संकरा होता है। श्वसन के लिए नाक की जगह गलफड़े होते हैं। पलके पारदर्शी होती हैं जिससे कि पानी में भी देख सकती हैं। इन प्राणियों के शरीर में हवा की थैली होती है इसलिए ये आराम से तैर सकती हैं। मेंढक, बत्तख, कछुआ, इनके भी शरीर को आप निरीक्षण करेंगे तो कुछ आपको अंतर दिखाई देगा। ये जो है मछली है ये गलफड़ा है, इसे सांस लेता है, ये शल्क है, इसके शरीर की बनावट, और ये पर है जो कि तैरने में इसकी मदद करता है। मेंढक, बत्तख आदि के पैरों की उंगलियों के बीच पर्दे होने से वे पैर को का चप्पू की तरह उपयोग करते हैं। तो बत्तख के पैर में ये जो है आपको दिखाई देगा। बत्तख, जलमुर्गी जैसे पक्षियों के पंख और तेली होने के कारण पानी उन पर से फिसल जाता है। पैरों की उंगलियों के पर्दे, नम व चिपचिपी त्वचा, त्रिकोणी सिर जैसे कारणों से मेंढक पानी में सरलता से तैरता है। पानी में रहने पर वह त्वचा द्वारा श्वसन करता है जबकि जमीन के ऊपर रहने पर फेफड़ों द्वारा। इसलिए मेंढक पानी और जमीन दोनों स्थानों पर रह सकता है। मेंढक की इस विशिष्टतापूर्ण पीठ उसे घास में छिपने के लिए सहायता करती है। कुछ अन्य उभयचर प्राणियों के नाम भी आप बताएंगे, क्या आप जानते हैं? अब इसी तरह हम वनाच्छादित एवं घास वाले प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणियों में अनुकूलन भी देखेंगे। जैसे जंगली कुत्ता, लोमड़ी, शेर, सींग जैसे मांसाहारी प्राणियों के पैर मजबूत होते हैं, उनके नखर होते हैं, नाखून होते हैं। इन प्राणियों के नुकीले रदनक होते हैं। इन दांतों का वे किस लिए उपयोग करते हैं? तो आप जानते हैं कि ये जो है शिकार करने के लिए अपना उपयोग करते हैं। शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं जिससे उसकी आहट भक्ष को नहीं होती है, वह सरलता से भक्ष को पकड़ लेता है। मांसाहारी प्राणियों की आँख का स्थान उसके सिर के बाईं ओर सामने होता है इसलिए उन्हें दूरी पर स्थित भक्ष नजर आ जाता है। इसी तरह शाकाहारी जो वनस्पतियों को खाते हैं, मांसाहारी यानी जो प्राणी प्राणियों को खाता है, तो शाकाहारी प्राणियों की आँखों का स्थान कपाल के नीचे और बगल में होता है। जो है हिरण की आँख देखो, उस कारण उन्हें बहुत बड़ा परिवेश दिखाई देता है और शत्रु से बचने का अवसर प्राप्त होता है। ये दूर से ही शत्रु दिखाई देता है और सावधान हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो शाकाहारी प्राणियों के पैर सकरे और पतले भी होते हैं, इस कारण वे छलांग लगाकर बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। ऐसे प्राणियों के हिलने वाले लंबे कान भी होते हैं जो कि दूर से आने वाली आवाज की आहट सुन सकते हैं। हिरण, सांभर आदि का रंग परिसर से भी मिलता जुलता रहता है जिससे उन्हें छिपने में सहायता मिलती है। ये वनस्पतियों के तने चबाकर खाने के लिए इनके पास दांत भी मजबूत होते हैं। अभी हम देखेंगे मरुस्थली प्रदेश में प्राणियों का अनुकूलन। तो मरुस्थली प्रदेशों में हम जानते हैं कि ऊंट रहता है। ऊंट की बनावट, ऊंट के जो है वो देखो, पैरों की
इसके जो है शरीर की। तो ये क्यों ऐसा होता है? मरुस्थली प्रदेशों में पानी का अत्यंत अभाव है। शरीर में पानी बनाए रखने के लिए वहाँ रहने वाले प्राणियों की त्वचा मोटी होती है, पैर लंबे और तलवे गद्दीदार एवं चौड़े होते हैं। नाक की त्वचा की संरक्षक मोड़ होती है, पलकें लंबी और मोटी होती हैं। मरुस्थली प्रदेश के चूहे, सांप, मकड़ियाँ, गिरगिट जैसे प्राणी जमीन में गहरे बिल बना करके रहते हैं। अब हम देखेंगे हिम प्रदेशों के प्राणियों का अनुकूलन। ये हिम प्रदेश के प्राणी हैं, इनकी जो है शरीर की बनावट देखेंगे, याक, ध्रुवी भालू, सफेद लोमड़ी, पर्वती भेड़, रूपहली लोमड़ी, साइबेरियन हस्की कुत्ता, हिम तेंदुआ, इन प्राणियों के और विषुववर्ती वनों के इसी जात के प्राणियों की चित्रों का इंटरनेट के द्वारा देख करके हम और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्राणियों की विशेषता क्या है? हिम प्रदेश में रहने वाले ये सभी प्राणियों की त्वचा लंबे और घने बाल, सफेद या रूपाला रंग जैसी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं का उपयोग ये लोग उस स्थान पर, ठंडे स्थान पर अनुकूलन करने के लिए करते हैं, जिससे कि ये जीवित रह सके। अभी हम वायवी प्राणियों में अनुकूलन, वायु यानी हवा में जो प्राणी रहते हैं उनका अनुकूलन कैसे होता है? तो आप देखते हैं कि पक्षी हवा में उड़ते हैं, तो पक्षियों का उसके शरीर में क्या जो है अनुकूलन किया गया है? पक्षियों का शरीर दोनों तरफ से सुंडाकार है, इसको देखो आप पक्षी का शरीर, और शरीर पर परों का आवरण, पर है आगे के पैरों का पंखों में रूपांतरण हो गया है। खोखली हड्डियों से बने हल्के शरीर के कारण पक्षी हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित हैं। सभी लोग नहीं उड़ सकते हैं, ये अपनी बनावट के कारण ही पक्षी हवा में उड़ सकते हैं। इसी तरह कीटकों का शरीर भी सुंडाकार और हल्का होता है। पंखों की दो जोड़ियां और छह पैर होते हैं। ऐसी रचना के कारण कीटक हवा में उड़ सकता है। उन्हें चलते हुए भी आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों में पर्दे होने के कारण वह उड़ सकता है। चमगादड़ हवा में उड़ भी सकता है। सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन, सरीसृप में सिर्फ सांप, केंचुए, ये आप देखते हैं कि रेंग कर चलते हैं। रेंगते समय वे किन अंगों का उपयोग करते हैं? तो आप देखेंगे कि इनकी शरीर की बनावट इस तरह होती है कि ये आसानी से रेंगते हुए चल सकें। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे प्राणी अपनी पेशियों का विशिष्ट प्रकार से उपयोग करके रेंगते हैं। उसी के अनुसार उनकी त्वचा, पंजे और विशिष्ट रंग में अनुकूलन हो जाता है। जैसे छिपकली और गोह के पंजे नाखून युक्त एवं पतले होते हैं और सांप की त्वचा सल्क वाली होती है। अब हम देखेंगे भोजन ग्रहण के लिए प्राणियों में अनुकूलन। प्राणियों का शाकाहारी और मांसाहारी इन दो समूहों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके लिए विशेष परिवर्तन होते हैं। इस आधार पर प्राणियों के लिए भोजन ग्रहण करना आसान होता है। उसके बारे में अधिक जानकारी हम पोषण वाले प्रकरण में पढ़ेंगे। मेंढक, सांप, पक्षी, मच्छर, तितली जैसे प्राणी अपना भक्ष्य कैसे पकड़ते हैं और खाते हैं, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्कवरी चैनल पर जियोग्राफिक चैनल का भी कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो सामान्य रूप से आप देखते हैं इन प्राणियों को कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परिसर समरूपता के लिए प्राणियों में अनुकूलन, तो विभिन्न रंगों के गिरगिट, टिड्डे हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं। वनस्पतियों पर, घास में,
या वृक्षों के तनों पर रहते समय उनके शरीर का रंग उस स्थान के रंग से मिलता जुलता है। ऐसा क्यों होता है? अधिवास के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, विशिष्ट परिवेश में जीवित रहना, प्रजनन द्वारा स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना, भोजन प्राप्त करना, शत्रु से स्वयं का रक्षण करना जैसे अनेक कारणों के लिए शरीर के अंगों व क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को ही अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। हजारों वर्ष पूर्व के प्राणियों और वर्तमान समय के प्राणियों के शरीर में दिखाई देने वाले परिवर्तन परिस्थिति अनुसार होने वाला अनुकूलन ही है। इस विविधता का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है।